हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज मतलब कल तक, आज की क्लास को छोड़ दो, कल तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लगभग 7-8 क्लास हो चुकी है, और 7-8 क्लास में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने जस्ट फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद ओरल कैविटी, फिर उसके बाद टंग, टीथ, फिर फेरिंग्स। तो इनके बारे में अच्छी तरह मैंने आपको पढ़ाया और पूरी जानकारी दी और विद डायग्राम। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इसोफेगस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसोफेगस के बाद शानदार टॉपिक आएंगे, जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम इसोफेगस। और एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स, जितना हो सके यार वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को लाइक करना है, और एक वो बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दो, जिससे क्या है, जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, इसोफेगस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एलिमेंट्री केनाल का एक ऑर्गन है इसोफेगस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसोफेगस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फेरिंग्स। जैसे ही फेरिंग्स खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फेरिंग्स जैसे खत्म होगा या खाना जैसे फेरिंग्स को क्रॉस करेगा, कहां पे आएगा, इसोफेगस में आएगा। कहां पे आता है, इसोफेगस में आता है। इसोफेगस के बाद फिर वो जाता है स्टोमक में, फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम और एनस। तो फ्रेंड्स, फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होती है हमारी इसोफेगस। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बता दूं आपको इसोफेगस का, कि हमारी इसोफेगस किस टाइप की होती है। फ्रेंड्स, थोड़ा लंबाई को देख लेना, लंबाई को इतना वो नहीं है, मैं जस्ट बता दूं, डायग्राम में जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी इसोफेगस, ठीक है। यहां पे फेरिंग्स खत्म होती है, मान लो क्या होती है, फेरिंग्स खत्म होती, और ये है इसोफेगस, और ये है हमारा स्टोमक। क्या है फ्रेंड, स्टोमक यानी पेट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। फेरिंग्स यहां पे खत्म होती है, फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होती है हमारी इसोफेगस, और उसके बाद आ जाता है स्टोमक। स्टोमक के जस्ट ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे होता है, क्या होता है, ये होता है डायफ्राम। क्या होता है फ्रेंड, डायफ्राम, ठीक है, जो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है डायफ्राम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें थोड़ा सा कि जो इसोफेगस है उसकी लंबाई फ्रेंड्स होती है 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस की जो लंबाई होती है, लेंथ, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर, ये डायमीटर, डायमीटर ये वाला जो, जैसे ये अपन ने एलिमेंट्री केनाल पढ़ी थी, जो मैंने वो बताया था, लूमेन बोलते हैं जिसको, लूमेन, तो जो उसका डायमीटर होता है फ्रेंड्स, वो होता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या होता है इसका, डायमीटर या डायमीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं बता दूं फ्रेंड्स, फेरिंग्स के बाद खाना डायरेक्ट इसोफेगस में आता है, इसोफेगस के बाद कहां जाता है, स्टोमक में जाता है, फिर
लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करें, फ्रेंड्स ये आगे वाला पोर्शन है, इधर देखता हुआ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये यूं फेस इधर है, ये मुंह इधर है मान लो ना, तो फेस ठीक है यहां तक हो, ये फेस इधर है। तो फ्रेंड्स हम बात करें कि जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस, ये वाली इसोफेगस है फ्रेंड, ये वाली पूरी का इसके ऊपर जस्ट डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है पूरी, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी फ्रेंड कौन सी है, थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक वर्टिब्रा इसके पीछे, और इसके पीछे क्या आएगी, थोरेसिक वर्टिब्रा, ये पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां पे पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा, ये हमारे पीछे जस्ट यहां से निकलती, ये इसोफेगस है। इसोफेगस से जस्ट आगे फ्रेंड्स हम बात करें, यहां इसोफेगस से जस्ट आगे यहां पे फ्रंट में यहां पे होता है ट्रेकिया। क्या होता है फ्रेंड, ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है, फिर ट्रेकिया से दो ब्रांचें निकलती है ब्रोंकस की, फिर वो कहां जाती है, लंग्स में, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। बट हम बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम की या इसोफेगस की। तो फ्रेंड्स यहां पे आगे क्या होता है इसके, ट्रेकिया, और पीछे क्या होता है, वर्टिब्री कोलम। तो फ्रेंड्स अब जो हमारी इसोफेगस है, ऊपर से इसोफेगस का जो अपर पार्ट है, इसोफेगस का जो अपर पार्ट है वो किससे जुड़ा होता है फ्रेंड्स, फेरिंग से, ठीक है, और लोअर पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, लोअर पार्ट जुड़ा होता है फ्रेंड्स स्टोमक से, स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, स्टोमक से जुड़ा होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो इसोफेगस है वो किसको क्रॉस कर रही है, देखो ये डायफ्राम है पूरा, ये डायफ्राम है फ्रेंड, इस डायफ्राम को क्रॉस करती हुई आती है। डायफ्राम काय का बना होता है, टेंडन का बना होता है, ये किसका बना होता है, टेंडन का बना होता है फ्रेंड, और यहां पे फाइबर पाए जाते हैं, तो बीच में से उस फाइबर को क्रॉस करती हुई स्टोमक, सॉरी इसको डायफ्राम को क्रॉस करती हुई नीचे आती है, और किसमें मिलती है, स्टोमक में मिल जाती है, ठीक है। अब फ्रेंड बात करें, देखो लास्ट वाला इसका जो पार्ट देखो आप, जहां पे स्टोमक से मिल रही है, जैसे ये स्टोमक से मिल रही है, थोड़ा सा यहां डायग्राम में मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है यहां पे ऐसे, ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है ये स्टोमक। ये जो फ्रेंड्स आप ये शेप देख रहे हो ना, ये वाली शेप, ये वाली शार्प शेप जो ऐसे ऐसे घूम रही, जैसे ऐसे जाती है फिर ऐसे घूमती है, वो क्या, जिस ये किस लिए बनी होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस, क्या होता है फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस होता है, और खाना भी पड़ा रहता है इसमें। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि जो बैकफ्लो, बैकफ्लो से इस यहां का बैकफ्लो इसमें आए, तो जैसे ही बैकफ्लो आएगा फ्रेंड, जैसे ही बैकफ्लो आएगा यहां टकराएगा, जैसे ही बैकफ्लो आएगा यहां टकराएगा, ठीक है, कोई भी बैकफ्लो स्टोमक से आता है तो यहां टकराएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है फ्रेंड, ये किसमें इंपॉर्टेंट होती है, ये क्या करती है, प्रिवेंट दी रीगर्जिटेशन फ्रेंड, ये टर्म याद रखना, रीगर्जिटेशन, ये याद रखना, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है फ्रेंड बैकफ्लो, क्या होता है फ्रेंड बैकफ्लो, जो स्टोमक से बैकफ्लो आता है वो यही टकरा के रह जाता है, मतलब इस इसोफेगस में नहीं जा पाता। तो जो इसकी शेप बनी होती है इस प्रकार से बनी होती है कि जो रीगर्जिटेशन होता है उसको बचाता है,
रीगर्जिटेशन याद रखना, ये टर्म या टर्मिनोलॉजी याद रखना, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैकफ्लो, बाहर आना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड बात करें इस इसोफेगस में दो स्पिंटर पाए जाते हैं। स्पिंटर मतलब एक तरह से वॉल होते हैं, वो जो क्या करते हैं, वही रीगर्जिटेशन को रोकते हैं। ऊपर वाला अलग काम करता है, नीचे वाला अलग काम करता है। तो जो नीचे वाला है वो क्या है, जो स्टोमक, स्टोमक में जो कंटेन है या गैस्ट्रिक जूस है उसको प्रिवेंट करता है। यहां पे होता है फ्रेंड्स ये जगह, इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल, यहां लिख दूं मैं, दो स्पिंटर होते हैं फ्रेंड्स। नीचे वाला होता है एक लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, इसको कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्टोमक का, ये जो वाला पार्ट है फ्रेंड्स, ये वाला है कार्डियक या कार्डिया, इस पार्ट को बोलते हैं। कई बुक्स में तीन ही पार्ट दिए होते हैं स्टोमक के, और कई बुक में चार पार्ट भी है, फंडस, पाइलोरस और बॉडी तीन, और किसी में चार, जिसमें कार्डिया भी दिया होता है। तो यहां जो स्पिंटर पाया जाएगा वो क्या करता है, जो भी रिगर्जिटेशन होता है स्टोमक से उसको प्रिवेंट करता है, और उसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंटर या कार्डियक स्पिंटर, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद बात करें, एक स्पिंटर अपर होता है, जैसे मान लो यहां पे ये इसोफेगस से स्टार्ट होता है यहां, तो यहां पे क्या होता है, एक स्पिंटर होता है जिसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्पिंटर, अपर इसोफेजियल स्पिंटर। ये क्या काम करता है फ्रेंड, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो ये स्पिंटर क्या करता है, इसोफेगस को बंद कर देता है। इसोफेगस को बंद करने से क्या होता है, जो एयर है, जो हम सांस, जो ट्रेकिया से जाएगी, तो वो क्या करता है, स्पिंटर उस इसोफेगस को बंद कर देता है, जिससे एयर है हमारे पेट में नहीं जाती। अगर पेट में जाएगी तो पेट क्या, स्टोमक डिस्टेंशन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, जो डाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो क्या करता है ये स्पिंटर, उसको रोकता है, स्पिंटर उस एयर को रोकता है, और उसके बाद एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करता है। जब एस्पिरेशन करते हैं ना अपन, और जब खाने के साथ भी, और जब हम खाना खाते हैं फ्रेंड, तो उसके साथ भी कुछ एयर जाती है, तो उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो मेनली जब सांस लेते हैं ना हम, तो उस एयर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कई बार जैसे मान लो इसोफेगस में कुछ खाना है और अपन उल्टे हैं, तो वो खाना फिर आना चाहिए ना, तो वो भी नहीं आएगा, वो किसकी वजह से रुक जाएगा, उस अपर इसोफेजियल स्पिंटर की वजह से रुक जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये एक टर्म याद रखना, रीगर्जिटेशन, इसका मतलब होता है बैक फ्लो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक बार और बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो इसोफेगस है वो फेरिंग से जुड़ी होती है, और फेरिंग से निकलती हुई इस डायफ्राम को क्रॉस करती हुई हमारे स्टोमक के कार्डिया पार्ट से मिलती है, और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनी होती है, जो क्या है, रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है। इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, इसकी 25 मीटर इसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, यानी लूमेन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड बात करें, जो इसोफेगस के, इसोफेगस है, उसके आगे ट्रेकिया पाया जाता है, और उसके बैक में क्या होती है, थोरेसिक वर्टीब्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऊपर से फेरिंग से जुड़ी होती है और नीचे से स्टोमक से जुड़ी होती है। इसमें दो प्रकार के स्पिंटर पाए जाते हैं, दो प्रकार के स्पिंटर पाए जाते हैं, जिन्हें अपर इसोफेजियल स्पिंटर, एक होता है लोअर इसोफेजियल स्पिंटर।
तो जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है उसको कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टोमक के कार्डिया पार्ट से जुड़ा होता है या कार्डियक भाग से जुड़ा हुआ होता है। ऊपर वाला जो स्पिंटर है फ्रेंड उसको अपर इसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं, जो कि इसोफेगस के जस्ट टॉप पे होता है। और वो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो एयर को हमारी इसोफेगस में आने से रोकता है, और ये वाला जो कार्डियक स्पिंटर है वो रिगर्जिटेशन को या स्टोमक कंटेन या गैस्ट्रिक जूस को इसोफेगस में आने से प्रिवेंट करता है। तो फ्रेंड्स यहां तक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारी इसोफेगस क्या होती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे कि इसोफेगस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो टिश्यू की बात करेंगे हम फ्रेंड। मैंने जब आपको वो पढ़ाई थी क्या है एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, उसकी वॉल, तो वहां पे हमने चार प्रकार के टिश्यू पढ़े थे, एडविंचिया, मसल्स टिश्यू और सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। इसी प्रकार इसी में इसोफेगस में भी वही चार प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे टिश्यू या स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, ठीक है। कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं और स्ट्रक्चर क्या है इसकी, तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमने वहां पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था पता होगा आपको, एडविंचिया या सीरस मेम्ब्रेन या सीरोसा, जो कि सबसे सुपरफिशियल लेयर है। उसके बाद हमने पढ़ी थी मसल्स लेयर या स्मूथ मसल, ठीक है। तीसरा पढ़ा था सब म्यूकोजा और चौथा पढ़ा था म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करें फ्रेंड्स एडवेंचिया जो कि सुपरफिशियल लेयर है, ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। ये क्या करती है, एक तरह से एक भारी आवरण बनाती इसका, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू। उसके बाद हम बात करें मसल्स लेयर, तो मसल्स लेयर में दो प्रकार की फ्रेंड्स मैंने बताई थी, उसमें आप एक पिछली क्लास देख लेना, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पता चलेगा। इसमें दो प्रकार की, एक लॉन्गिट्यूडनली रहती है, और एक रहती है सर्कुलर, ठीक है। दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है जो कि स्मूथ मसल्स टाइप की होती है। ये क्या काम करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन्हीं मसल्स के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोजा की बात करें हम, सब म्यूकोजा, तो सब म्यूकोजा फ्रेंड ये क्या करती है, HCO3 और म्यूसिन HCO, यहां ध्यान रखना, ये HCO3 और म्यूसिन का सिक्रेशन करती है सब म्यूकोजा, HCO3 और म्यूसिन का सिक्रेशन करती है HCO3, ये सी है फ्रेंड्स, ये क्या करती है HCO3 और म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, जो HCO3 को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। और इसका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन का, एल्कलाइन टाइप का होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक इसका पीएच होता है। अब यहां पे क्या है फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये इसलिए पाया जाता है फ्रेंड्स, कई बार मान लो ऐसे तो स्पिंटर लगे हुए हो यहां पर बाय चांस कोई ऐसा प्रेशर पड़ता है पेट में, स्टोमक में, तो जिससे क्या है गैस्ट्रिक जूस इस इसोफेगस में आ जाता है, और गैस्ट्रिक जूस की जो नेचर होती है वो एकदम हार्ड एसिडिक होता है, हार्ड एसिड होता है भयंकर। तो भाई साहब अगर ये हार्ड एसिड इसमें आ गया इसोफेगस में, तो इसोफेगस को तो जला देगा या उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देगा।
तो इसमें क्या होता है, कभी बाय चांस अगर आ भी जाता है एसिड, तो ये HCO3 क्या करता है, इसको डाइल्यूट कर देता है। क्या कर देता है, डाइल्यूट बोलो, या उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे क्या है वो इसको इसोफेगस को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, इसलिए इस सब म्यूकोजा में ध्यान रखना बाइकार्बोनेट और म्यूसिन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड हम बात करें ल्यूकोजा, सबसे अंदर की लेयर होती है, ये डीपेस्ट लेयर बोल सकते हो, अगर ऊपर से बात करें तो सबसे डीपेस्ट लेयर है म्यूकोजा, और ये किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये चार प्रकार की लेयर पाई जाती है, ये चार प्रकार की लेयर से हमारी इसोफेगस बनी होती है, एडवेंचिया, मसल्स, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। सब म्यूकोजा का थोड़ा सा ध्यान रखना, सब म्यूकोजा में बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस कभी बाय चांस हमारी इसोफेगस में चला जाए तो उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करती है, कौन, सब म्यूकोजा में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें फ्रेंड फंक्शन की, क्या फंक्शन करती है हमारी इसोफेगस, फंक्शन की बात करते हैं अब इसोफेगस, फंक्शन की बात करें फ्रेंड हम, फंक्शन मेन फंक्शन फ्रेंड इसका मेन जो फंक्शन है वो एक ही फंक्शन है ज्यादातर, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है, थोड़ा सा कई बार आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो आपको पता है, तो जो फर्स्ट फंक्शन है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर बोल सकते हो, पर यहां फूड ही लिखूंगा मैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक क्या करती है, एक माध्यम है, एक नली है, ये ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब बनी हुई है जो क्या करती है, हमारे जैसे ही खाना खाते हैं हम, वो फेरिंग्स में, मुंह में बोलस बनता है, उसके बाद वो इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है, तो इसका जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दूसरा स्वालोविंग, स्वालोविंग में भी काम करती है, इसमें भी क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जो खाने को आगे बढ़ाता है, क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जो कि स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है, जिससे क्या है वो खाने को आगे बढ़ाती, उसके बाद प्रिवेंट रिगर्जिटेशन, बताया ना मैंने आपको, इसमें स्पिंटर पाए जाते हैं, दो स्पिंटर पाए जाते हैं, एक यहां और एक यहां, जो क्या करते हैं रीगर्जिटेशन को, बैकफ्लो को या रिफ्लक्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ खास नहीं, ये तीन फंक्शन है इसके इसोफेगस की, तो ये ध्यान रखना है आपको, थ्री फंक्शन ऑफ इसोफेगस। उसके बाद हम फ्रेंड बात करेंगे ब्लड सप्लाई, इसोफेगस में जो ब्लड सप्लाई होती है फ्रेंड्स उसके बारे में बात करेंगे, ब्लड सप्लाई कहां कहां से होती है फ्रेंड्स, में ब्लड सप्लाई जब भी मैंने पढ़ाया, अभी जितने भी ऑर्गन्स पढ़े अपन ने, तो उसमें जस्ट मैं आपको उस आर्टरी का या वेन का नाम बता रहा हूं, बट जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम या जब हर्ट पढ़ेंगे कार्डियक सिस्टम, तो उसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कैसे होती है, वीनस कैसे होती है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, वो सारी बातें उसमें करेंगे। तो हम बात करें फ्रेंड्स अभी इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, इसोफेगस में ब्लड सप्लाई फ्रेंड्स, इसो हर्ट में से क्या होता है, मैंने बताया आपको जो प्योर ब्लड ले जाती है वो कौन ले जाती है, जिसको आर्टेरियल ब्लड पड़ेगी वो होती है एओर्टा। जब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था तो कि जो कैरोटिड आर्टरी है इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो क्या है ऊपर फेस में और ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है,
उसके बाद एओर्टा जब नीचे आती है, अब नीचे आना पड़ेगा ना उसको, इसोफेगस स्टोमक इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वहां से क्या है वो एओर्टा निकलती है। जैसे वो एओर्टा निकलती है, जैसे मान लो थोरेसिक कैविटी में आए, तो उस एओर्टा का नाम हो जाता है थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। उसके बाद वो स्टोमक में गई तो उसका नाम हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थोरेसिक कैविटी में आएगी तो उसका क्या होगा, नाम क्या हो जाएगा, थोरेसिक एओर्टा, और एब्डोमन में आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल एओर्टा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, प्योर ब्लड। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में फ्रेंड हम बात करें, जब ये इसोफेगस थोरेसिक कैविटी से गुजरती है, या थोरेसिक कैविटी का जो पार्ट है, थोरेसिक कैविटी का जो पार्ट है इसोफेगस का, जो थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन का जो पार्ट है, उसमें कौन ब्लड सप्लाई करेगा फ्रेंड्स, उसमें करेगा जो थोरेसिक एओर्टा है, उसमें से कौन सी निकलेगी, इसोफेजियल आर्टरी, क्या निकलती है फ्रेंड, जो थोरेसिक रीजन है जहां पे एओर्टा थोरेक्स में है या थोरेसिक कैविटी में है, वहां पे थोरेसिक एओर्टा से क्या निकलता है, इसोफेजियल आर्टरी निकलती है, तो वो इसोफेजियल आर्टरी इसको सप्लाई करती है, कहां पे, थोरेसिक रीजन में। उसके बाद हम बात करें एब्डोमिनल रीजन या एब्डोमिनल कैविटी, ध्यान से समझना फ्रेंड, एब्डोमिनल रीजन। अब एब्डोमिनल रीजन में फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको तो क्या आएगी, एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा आएगी ना, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अब एब्डोमिनल एओर्टा में एओर्टा से जो इसोफेगस को, यहां वाली इसोफेगस, ये वाली, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये जस्ट इसके नीचे, ये डायफ्राम है, तो इसके नीचे वाली क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी होगी ना, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। तो इसके बाद फ्रेंड जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसकी ब्रांचें हैं, जो एक ब्रांच है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेंड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, क्या फ्रेनिक आर्टरी कौन सी होती है, जो एक फ्रेनिक आर्टरी ऊपर से होती है, एक फ्रेनिक आर्टरी नीचे होती है, जो फ्रेनिक आर्टरी होती है वो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, किसको ब्लड सप्लाई करती है, डायफ्राम को, और यही फ्रेनिक आर्टरी इंफीरियर, नीचे वाली जो फ्रेनिक आर्टरी है वो जो इसोफेगस है एब्डोमिनल कैविटी में उसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद दूसरी एक ब्रांच और निकलती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक जो स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है, इधर वाली जो एओर्टा से इधर जाती है, एओर्टा से एक इधर आएगी, तो ये वाली लेफ्ट हो गई, ये वाली लेफ्ट और इधर वाली राइट, तो ये क्या है, एब्डोमिनल रीजन में एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा होता है उसकी, उसमें से दो ब्रांच निकलती है आर्टरी की, एक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी क्या करती है, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो दो होती है, लेफ्ट और राइट, और ये भी दो होती है इंफीरियर और सुपीरियर, ये फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को करती है, और गैस्ट्रिक आर्टरी किसको करती है, स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये फ्रेंड्स आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, एक बार और बता दूं, थोरेसिक रीजन में कौन करेगा, थोरेसिक एओर्टा आएगी, उसकी जो इसोफेजियल ब्रांचेज है, इसोफेजियल आर्टरी है, वो इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करेगी थोरेसिक रीजन में। उसके बाद एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो एब्डोमिनल एओर्टा आएगी, उसकी दो ब्रांच निकलती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी
जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, बट वो इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हम बात करें जो एब्डोमिनल एओर्टा से फिर निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है, जो दो प्रकार की होती है, लेफ्ट और राइट। और यहां पे इसोफेगस को जो ब्लड सप्लाई करेगी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। तो फ्रेंड्स ये थी ब्लड सप्लाई, वो भी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। ठीक है, अभी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई पढ़ी फ्रेंड्स हमने। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज। क्या बात करेंगे? वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज इसोफेगस से वापस जो ब्लड वापस हार्ट में ले जाएगी, कौन सी वेन ले जाएगी? वीनस ड्रेनेज के लिए हम बात करेंगे जो वापस ब्लड को कहां ले जाएगी? हार्ट में ले जाएगी। किसके द्वारा जाएगी? फ्रेंड्स हमने जब पढ़ी थी फेरिंग्स पढ़ी थी, टंग पढ़ी थी, टीथ पढ़े थे, तो वहां पे जो ब्लड वीनस ब्लड सप्लाई थी वो कहां पे ब्रांचेज जाके कहां पे डालती थी? सुपीरियर वेना के, जो जुगलार वेन थी, इंटरनल एक्सटर्नल जुगलार वेन, वो सुपीरियर वेना के वह में डालती है। यहां से जो ब्लड जाएगा नीचे से, सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, और जो नीचे से ब्लड जाएगा वो डालेगा इंफीरियर वेना के वह। तो इंफीरियर वेना के वह भी वहां जाके मिलती है, किसमें? राइट एट्रियम में। तो फ्रेंड हम बात करें वीनस ड्रेनेज। अब वीनस ड्रेनेज में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे फेरिंग से स्टार्ट होती है तो वो एक क्या होता है? सर्वाइकल रीजन। ये सर्वाइकल, यहां भी सर्वाइकल रीजन में भी हमारी इसोफेगस होती है। जो सर्वाइकल रीजन की बात करें हम, हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वहां से जो इसोफेगस है, उस इसोफेगस में जो वीनस ड्रेनेज होगा वो किसके द्वारा होगा? फ्रेंड नीचे से जाएगी इंफीरियर थायराइड वेन, जो थायराइड वेन होती गले में हमारी, तो उसकी एक ब्रांचेज है इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सर्वाइकल रीजन है फ्रेंड, ये वाला रीजन यहां का, यह वाला ऐसे मुड़ के ऐसे, या पीछे से करेंगे सर्वाइकल, तो पीछे ना, तो पीछे जो सर्वाइकल रीजन है उसमें जो वीनस ड्रेनेज होता है वो इंफीरियर थायराइड वेन में, वेन के द्वारा होता है। फिर ये किसमें? इंफीरियर वेना केवा में मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में किसके द्वारा वीनस ड्रेनेज होता है? तो फ्रेंड थोरेसिक रीजन में तीन चार वेन होती है, एजाइगस, एक होती है एजाइगस वेन, एक होती है हेमी एजाइगस, एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल वेन, और एक होती है ब्रोकियल वेन। तो फ्रेंड्स ये चार वेन होती है जो थोरेसिक रीजन में इस इसोफेगस से ब्लड को ले जाती है। कहां पे? इंफीरियर वेना केवा में मिलाती है। एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल है ना जो रेस्पिरेशन में काम करती है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे पसलियां किससे जुड़ी होती है, मसल्स पसलियों को, रिब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंटरकोस्टल मसल, जो पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद ब्रेकियल, ब्रोंकियल, सॉरी ब्रेकियल नहीं, ब्रोंकियल, जो ब्रोंकस को, हमारी ब्रोंकाई है उसको, जो उसका जो वीनस ड्रेनेज करती है उसकी ब्रांच चाहिए। तो ये चार वेन है, अजाइगस, हेमी अजाइगस, इंटरकोस्टल वेन और ब्रोंकियल
वेन। तो ये क्या करती है, क्या करती है, वीनस ड्रेनेज। ठीक है, दो हो गई सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन। अब बात करें फ्रेंड एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो फ्रेंड एब्डोमिनल रीजन में यहां पे कौन सप्लाई कर रहा था, ब्लड सप्लाई पढ़ा था ना अपने, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहां से जो ड्रेनेज होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के द्वारा होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के द्वारा होगा। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी वीनस ड्रेनेज में। एक बार मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो सर्वाइकल रीजन है फ्रेंड, उसमें जो वीनस ड्रेनेज होगा वो इंफीरियर थायराइड वेन है उसकी ब्रांच जाएगी, जो कि इंफीरियर वेना के वहां में मिल जाएगी। वो क्या करती है, इससे इसोफेगस का जो वीनस ड्रेन है उसको ले जाती है। थोरेसिक रीजन की बात करें तो एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, इंटरकोस्टल वेन और ब्रोकियल वेन है जो इसोफेगस से वीनस ड्रेनेज को इंफीरियर वेना केवा में डालता है। उसके बाद एब्डोमिनल या एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो वहां पे गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, वो क्या करती है, इसोफेगस से वीनस ड्रेनेज को ले जाती है इंफीरियर वेना केवा में। लास्ट पॉइंट बचा है फ्रेंड्स अब नर्व सप्लाई। फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर होगी, इसोफेगस क्या होती है उसके बारे में सारी बातें की हमने। डायग्राम तो वैसे समझा के बता दिया मैंने, कोई डायग्राम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इससे समझ में आ गया होगा आप। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे नर्व सप्लाई। वही नर्व सप्लाई, तो आप कितनी बार पढ़ ली मैंने नर्व सप्लाई, बार बार बता रहा हूं। जो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड्स, पता है आपको, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दो प्रकार की नर्व सप्लाई होती है, ये आपको सबको पता है। अब हम बात करें फ्रेंड हमारी जो इसोफेगस है उसमें दो प्रकार की नर्व, एक तो वेगस नर्व, जो कौन सी है, टेंथ क्रेनियल नर्व है। वेगस नर्व जो क्या है, टेंथ क्रेनियल नर्व है, क्रेनियम से निकलती है, तो ये करती है इसोफेगस को नर्व सप्लाई। और ए करती है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड में जो नर्व पाए जाते हैं वो करते हैं। और वो कहां कहां वाले करते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसकी एक से लेकर दस तक जो वर्टिब्री है, कितनी वर्टिब्री होती है थोरेसिक वर्टिब्री में, बारह होती है ना, तो थोरेसिक वर्टिब्री में एक से लेकर दस तक जो वर्टिब्री है, एक से लेकर दस तक, यहां से ये वाला रीजन एक से दस तक जो नर्व पाए जाते हैं, यहां पे एक से दस तक वाली वर्टिब्री में जो नर्व पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इसोफेगस को नर्व सप्लाई करते हैं। जिस नर्व सप्लाई किस में काम आती है, स्वॉलोविंग में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में, उधर से बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन भी इसी नर्व, सारे नर्व, नर्व की वजह से सारा काम होता है, एक इंपल्स नर्व के द्वारा आती। तो फ्रेंड्स ये थी इसोफेगस। अगर इस इसोफेगस को पढ़ने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, अगर कोई चीज छूट गई मेरे से तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। दोबारा बताऊंगा, तीसरी बार बताऊंगा, चौथी बार बताऊंगा, पर कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स कैसी लगी और आपको ये क्लास, और जितना हो सके मेरे दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वो घंटी को बजा दो, तो आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम स्टोमक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आएगा पढ़ने में, कितना मस्त अपनी बॉडी इतनी शानदार बनाई ना यार, ये तो एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।